और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से, जहां पर भीड़ बेकाबू हो गई है और भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक शख्स की मौत हो गई थी जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। ऐसे में आगजनी भी देखने को मिली है और पुलिस चौकी भी लोगों ने राख कर दी है, लेकिन पुलिस बल वहां पर मुस्तैद है और पूरी कोशिश कर रहा है स्थिति को संभालने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी काविंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। काविंद्र, अभी स्थिति क्या बनी हुई है? जी प्रद्युम्न, ये पूरा मामला आगरा के ताजगंज इलाके का है, जहां पर एक ट्रैक्टर चालक मिट्टी से भरा ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक पुलिस को देखकर भागने लगा। इस बीच अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया और ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद वहाँ आसपास के इलाकों के गुस्साए ग्रामीण और भीड़ आ गई और भीड़ ने पुलिस चौकी पर निशाना बना दिया। आपको बता दें, ताजगंज में जो तोरा चौकी है उस पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस के साथ भी मारपीट की गई है, जिसमें दो सिपाही घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके साथ ही खबर है कि लैपटॉप और वायर लेस भी तोरा चौकी से लूट लिए गए हैं। इसके साथ ही आपको एक और अहम जानकारी दे दूं कि जो व्यक्ति जिसकी मौत हुई है ट्रैक्टर चालक, वो तो ताजगंज इलाके के करबन गांव का बताया जा रहा है। इसके साथ ही वहां पर जिन सिपाहियों के साथ मारपीट की गई उनको तत्काल रूप से अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब फिलहाल मौके पर स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जी प्रद्युम्न, बहुत बहुत शुक्रिया काविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच इस पूरी खबर पर आईजी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। देखिए, ऐसा है कि आज थाना ताजगंज की जो चौकी तोरा है, वहाँ के जो पेट्रोल वाली गाड़ी होती है वो अपने रेगुलर गश्त पे जा रही थी, तो उनको ये जानकारी मिली कि आगे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ट्रैक्टर पलटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे शांति मांगलिक हॉस्पिटल में ला के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के होने के उपरांत कुछ लोग जो उपद्रवी थे, उन्होंने आके हमारी जो चौकी तोरा है उसमें तोड़फोड़ करी है, जो वाहन बाहर खड़े थे उसमें आगजनी करी है और जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी उसको बिगाड़ने का प्रयास किया। तत्काल पर्याप्त फोर्स यहाँ पे मौके पे भेजा गया, एसएसपी स्वयं यहाँ पे मौके पे पहुँचे और स्थिति को नियंत्रित करा। अभी जिस युवक की डेथ हुई है उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी मॉर्चरी भेज दी गई है। मौके पर पूर्ण रूप से शांति है और जिन लोगों ने भी आगजनी तोड़फोड़ वगैरह करने का प्रयास किया है, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उनकी पहचान कराई जा रही है, विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।